कहते हैं ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये कहावत बिल्कुल सटीक बहता है भारतीय टीम पे। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगभग मुकाबला हार गए थे, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा ने अपने हुकुम का इक्का फेंका। बुमराह, हार्दिक पांड्या ने ज़बरदस्त गेंदबाजी करके भारत को हारा हुआ मुकाबला जीत लिया। और हम ये कैसे भूल सकते हैं सूर्य कुमार यादव की वो महत्वपूर्ण कैच। तो इंडिया टीम ने सेलिब्रेशन किया, कप लिया, विक्ट्री किया, चैंपियन के साथ ट्रॉफी लिए, मेडल डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत सारे सीन शॉट हुआ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान जो था विराट कोहली का था, हार्दिक पांड्या का था, जसप्रीत बुमराह था। टीम इंडिया खुशी के आंसू से रुक ही नहीं रहा था, उनके हर एक प्लेयर के आंसू गिर रहे थे। मानो कि ये ट्रॉफी उठाते हुए, रोहित शर्मा की ट्रॉफी उठाते हुए जो तस्वीर है ये बयां कर रही है, कन लम्हों से इंतजार कर रहे थे। हालांकि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा ने विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और बोला है कि नेक्स्ट जनरेशन संभाले। रोहित और विराट कोहली का अब इंटरनेशनल T20 में आप लोग नहीं देख पाओगे, मिस करोगे। हालांकि विराट कोहली ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा नहीं खेला था, लेकिन शेर एक दिन काफ़ी होता है। जहां पे महत्वपूर्ण खेला चाहिए था, विराट कोहली ने वो पारी खेली और बहुत ही शानदार स्कोर बनाया टीम इंडिया को, 170 रन से बनाने में बहुत मदद की। हालांकि लगे सारे प्लेयर भावुक हो चुके, तो हार्दिक पांड्या ने तो अंतिम गेंद फेंक कर वहीं पर ज़मीन में लेट गए और रोहित शर्मा तो ज़मीन पर लेट के ग्राउंड को थपथपाने लगे। विराट कोहली के भी आंसू गिरने लगे खुशी को, हार्दिक पांड्या को देखे यहाँ पर रो के बैठ के रोने लगे हैं, चाहे बल्लेबाजी सेलिब्रेशन देखिए। हालांकि एक समय ऐसा लग रहा था साउथ अफ्रीका काफ़ी आसानी से जाए, लेकिन हमारे हार्दिक पांड्या, बुमराह भाई ने इतना गेंदबाजी किया और सूर्या भाई की जो कैच मत पूछो। यहाँ पे देखिए हार्दिक पांड्या का रिएक्शन आखिरी गेंद फेंकने के बाद। बुमराह ने तो पूरा टूर्नामेंट बहुत शानदार फेंका गेंद, तो बुमराह मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे, वहीं पर मैन ऑफ द मैच रहे विराट कोहली। अंतिम मुकाबला था उनका T20 का, हम सभी भारतीय उनको काफ़ी मिस करेंगे और लगभग 2007 के बाद ये पहली दफ़ा हम लोगों के T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। तो T20 हमें वर्ल्ड कप जिताने वाले हो गए। वर्ल्ड कप हमें कपिल देव ने जिताया था, फिर धोनी, फिर रोहित शर्मा ने।